हेलो गाइस, फिर से आप लोग का स्वागत है। देखो हमको ये फिर उस दिन का आंटी जो हम ब्लॉग एक ब्लॉग में बताया था ना, देखो फिर से हमको पूरी सब्जी, ये देखो सब्जी पूरी और चटनी हमको फिर से भेजा है। तो जितना वो हमको प्यार से भेजता है ना, तो आप लोग को भी हम बहुत दिखाने मन है। इसके लिए हम अभी खा के देखते हैं ठीक है कि नहीं है, लेकिन इतना टेस्टी से बनाता है। पूरी इतना दिन से खाएगा सोच रहे ना, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं होता है। तो भगवान भी सुना होगा मेरा दिल का, जो मेरा दिल खाने के लिए इतना तड़प रहा है, तो भगवान भी देख लिया होगा। तो बढ़िया है ये तिल का चटनी है। कैमरा मैन दिखाओ, ये तिल का चटनी और ये आलू मटर चना बहुत मिक्स किया इसमें, बहुत टेस्टी है। ये चंपा भी लगाया, देखो चंपा बहुत टेस्टी है। जो भी वो लोग चीज खाता है ना, हमको हमेशा बेचता है। बहुत अच्छा आंटी है वो, आंटी को एक दिन हम जरूर दिखाएगा। लेकिन वो भी हमेशा बिजी होने वाला आंटी है, इसके लिए मतलब मेरे पास आने के लिए भी समय नहीं होता। अभी भी वो ये सामान लोग को बेटा बेटी लोग को भेजा है। चलिए रो पानी ले रहा जाता पानी। ओए फ्रेस्को बोतल ग्लास चाहिए ना ने। बहुत टेस्टी है, हमको बुला रहा था आंटी जो आओ बोल के, तो हम जब बोला है बारिश भी दे रहा है आंटी जो ना हमको बुला रहा था, तो बारिश भी दे रहा है उसका वजह से हम होगा। आज के लिए आप लोग सिर्फ मनाओ और आप लोग खाओ, तो हमको बोला है नहीं आपके लिए भी हम ला देगा बोला है ना। तो हम जब बोला नहीं नहीं ला देने से होगा, होगा कितना खाएगा, तो भी नहीं माना है, उसका दिल नहीं माना है हमको। सब्जी जल के खा रहे हैं यहाँ पर, टेस्टी है। और ये देखो आज मेरा चूल्हा दो किस्म का बना दिया ना, इसको भी एक आंटी जी आके बना दिया हमको। मेरा पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी आंटी हमको बहुत प्यार करता है ना, तो एक आंटी जब बोला है जब हम वीडियो शूट करने के लिए गए, तब हमको बोला ऐसा मत करो हम चूल को अच्छे से कर लेगा बोल के हमको कंगी वंगी कर दे के वीडियो शूट करने दिया। बहुत टेस्टी है सच में भी, ये तिल का चटनी बहुत टेस्टी है। उसको मांझले बनाओ, लस में दे दे बनाओ, मैं माटी को पुपु जी को सिर बनाओ, नी धाम लगे तो धास्ता लगे तो प्रार्थना बात तो देश तो तो बनाओ, मैं तेरा धाम ना बीच अभी एक खाके दिखाती हूँ।
इतना सारा तो हम खाने नहीं सकते हैं, बाद में इसको खाएंगे हम, फिर बाद में इसको फ्रिज में रख के खाती हूँ। चटनी जब बहुत टेस्टी है रे, और भी बनाने देना पड़ेगा। ये देखो, ये देखो, ऐसा ये सब लगा के, ये चंपा, चंपा भी मिक्स किया है, तो इसको ऐसा करके उस दिन से बहुत खाने मन था, पूरा याद आ रहा था, लेकिन भी समय नहीं होता है, और अकेला भी खाने के लिए भी मज़ा नहीं होता है, तो ये सब इतना सारा आदमी होने से खाने के लिए मज़ा होता है। चटनी बहुत टेस्टी है। आज के लिए मैं इतना खाऊंगी, 3 या 4 खाया है, 3 या 4 तो खाया है, हम इतना ही खाते हैं, तो बाद में इसको फिर खाऊंगी मैं। आप सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर भी कर देना, और नेक्स्ट ब्लॉग पे मिलते हैं आप लोग को। बाय, बंद कर।